वेरी गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू फन एंड लर्न ऑनलाइन होम लर्निंग। किड्स, आज हम नर्सरी प्रैक्टिस इंग्लिश की बुक में आगे बढ़ेंगे लेटर एस। ओके, तो मैंने आपको पहले आर तक सिखाया था, राइट? तो आज हम सीखेंगे लेटर एस। सो ओपन योर प्रैक्टिस इंग्लिश नर्सरी बुक। तो बच्चों, ये है लेटर एस। एस फॉर क्या होता है? एस फॉर सन। ओके, तो एस, एस का हम साउंड क्या बोलेंगे? एस का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एस का फोनिक होगा स। एस स, तो उसमें क्या लिखा है बच्चों कि कलर एस इन रेड एंड बेबी एस इन ग्रीन। कि जो ममा एस है, ममा एस मतलब क्या है? ये बड़ा एस जो आपको दिख रहा है उस पर आपको कौन सा कलर करना है? रेड। एंड बेबी एस मतलब ये छोटा एस है, उसमें आपको ग्रीन कलर करना है। तो हम पहले आपको सीखेंगे ये एस कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ के हाफ सर्कल करके यहाँ पे ऐसे कर्व करना है। ये है ममा एस मतलब कैपिटल एस, और ये है स्मॉल एस, राइट? तो एस फॉर होता है सन। सन का कलर कैसा होता है? येलो। और एस फॉर सैड, या बच्चों देख रहे हो ये बॉय है वो एकदम उदास बैठा है। सैड का मतलब क्या होता है? उदास। ओके, तो हम आगे देखते हैं अब एस कैसे लिखते हैं। कि ट्रेस द लेटर एंड से इट्स साउंड अलाउड। कि ये लेटर को ट्रेस करो और आप बोलते जाओ, राइट? तो ये कैपिटल एस है वो आपको कैसे लिखना है? रेड टू ब्लू लाइन में। ओके, तो हम अभी लिखना शुरू करते हैं बच्चों। कि यहाँ पे आप लिख सकते हो रेड से लेके ऐसे ब्लू लाइन में आपको ये एस लिखना है और बोलते जाना है एस फॉर सन। ये ऐसे बोलते जाओ, लिखते जाओ एस फॉर सन। रेड से लेके ब्लू लाइन तक लिखना है एस फॉर सन, एस फॉर सन। फिर एस फॉर क्या होता है? एस फॉर हम स्टार भी बोल सकते हैं, है ना? एस फॉर स्टार भी होता है। तो ऐसे आपको तीन लाइनों में लिखना है एस फॉर सन, प्रॉपर वे में अच्छी तरह से बोल बोल के लिखना है एस फॉर सन। ओके, तो ये हो गया आपका कैपिटल एस। अब आगे देखते हैं, अब क्या है यहाँ पे? ये स्मॉल एस, पेज नंबर 49 स्मॉल एस है। तो स्मॉल एस हम कैसे लिखेंगे? तो स्मॉल एस आपको ये दो लाइनों में लिखना है, राइट? ये हो गया हमारा स्मॉल एस, स्मॉल एस। ये हो गया हमारा स्मॉल एस, ये हमें ऐसे दो लाइनों में अच्छे से लिखना है स्मॉल एस। एस फॉर सन, एस फॉर सन। ओके, अब बढ़ते हैं पेज नंबर 15, पेज नंबर 50। उसमें है लेटर एस, उसमें क्या लिखा है कि कलर ऑल बिग एस एंड स्मॉल एस इन द सील। ये आपको जो सील दिखाई दे रहा है, सील मतलब क्या होता है? जो पानी में रहती है। तो उसमें आपको क्या करना है? आपको सर्कल करना है, सर्कल करना है। तो आप कैपिटल एस के ऊपर सर्कल करो, ये ऐसे आपको सर्कल बनाना है। ये है स्मॉल एस, ये कैपिटल एस, ये स्मॉल एस, स्मॉल एस, कैपिटल एस, ये स्मॉल एस, ऐसे आपको सर्कल बनाना है, राइट? और आपको कैपिटल एस बड़ा लिखना है, स्मॉल एस छोटा लिखना है। ओके, ठीक है। तो आपको ये ऐसे पेज को कंप्लीट करना है बच्चों, है ना? और एस फॉर क्या होता है? एस फॉर सील भी होता है। तो आज हमने बच्चों कौन सा लेटर सीखा?
एस, राइट। तो आपको ये पूरा करना है, वो आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके, बाय।